काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एरर एनालिसिस, और जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का बात करते हैं तो हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे मेन जो प्रॉब्लम रहता है कि हम भूल जाते हैं, यस और नो, क्योंकि इसमें रूल्स है और कहीं पे भी बुक्स में बहुत अच्छे से लिखा हुआ नहीं रहता है। एक बार पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है काफी ईजी है, लेकिन जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाता है, और काफी ईजी भी है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। क्लास इलेवेंथ का स्टार्टिंग पार्ट का है, कभी कभी लोग ध्यान भी नहीं देता है, सोचता है अच्छा एरर एनालिसिस है, छोड़ देते हैं इसको। आएंगे समझ में? तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, मतलब एरर एनालिसिस में आगे भी पढ़ने वाले एरर क्या होता है, कौन सा एरर होता है, टाइप्स वाले, लेकिन हम सबसे जो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हमको पढ़ना है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर एक्सप्रेस द एक्यूरेसी विद अ फिजिकल क्वांटिटी मे बी एक्सप्रेस्ड, मतलब जब भी सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करते हैं तो जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट, जैसे देखो आप द डिजिट व्हिच वैल्यूज आर एक्यूरेटली नोन इन ए पर्टिकुलर मेजरमेंट आर कॉल्ड इट्स सिग्निफिकेंट फिगर, और द ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्टेंड व्हेन मेकिंग ए मेजरमेंट मोर एक्यूरेट इज द मेजरमेंट। जैसे 1.21 है, तो यहाँ पे अभी रूल्स भी मैं बताऊंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कि टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है किसी भी आप बोल सकते हो कि कैलकुलेशन में, लेकिन यहाँ पे अगर इसका 3 दिया है सिग्निफिकेंट फिगर और इसका 4 दिया है तो ये ज्यादा एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट, यस और नो? जिसका जितना सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होगा उसको ज्यादा एक्यूरेट बोलेंगे हम लोग। सिग्निफिकेंट फिगर अगर किसी का 10 है और किसी का 9 है तो ये मोर एक्यूरेट है, यस और नो? जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर मतलब उतना ज्यादा एक्यूरेट है, इसलिए ये बात को ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट जो है रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबको अच्छे से ध्यान देना चाहिए इस पे। इस पे हम एग्जांपल्स भी देने वाले हैं, केवल थ्योरी नहीं करने वाले हैं हम लोग। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन डिजिट्स, जैसे अगर क्वेश्चंस में आ गया आपको 15248 ऐसे क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो इसमें क्या करोगे, ये हमको 15248 ऐसा दिया हुआ है, इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 5, मैं लिख नहीं रहा हूं, मींस टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना होगा, 5, यहां पे ऐसा लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 5। क्या मैंने बोला है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स का भी नहीं, क्या होता है, जीरो को छोड़ के, ये तो फर्स्ट रूल है आपका, ये हमारा फर्स्ट रूल है, ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यस और नो? जैसे यहाँ पे देखो 108.006 लिख दिया, ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, आ रहे हैं समझ में? तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा यहाँ पे, आ रहे हैं समझ? इसमें हम अगर जीरो नहीं है तो उसको तो काउंट करना ही है, लेकिन डिजिट के बीच में जैसे यहाँ पे 1 और 6, तो इसको तो लेंगे ही हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर, इसके बीच में जो जीरो आ रहा है उसको भी काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे 6 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब क्या है, अगर ऑल जीरोस ऑकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये 1 और 6 क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स है, उसके बीच में जितना जीरो आ रहा है उसको भी काउंट करेंगे, मतलब 1 को तो काउंट करेंगे ही क्योंकि वो क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, डेसिमल, ये जो डेसिमल पॉइंट दिया है इसको नहीं काउंट करेंगे, डिजिट्स को काउंट कर रहा है, तो डेसिमल पॉइंट को अवॉइड कर देंगे और दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो आ रहा है उसको भी काउंट करेंगे, ये रहा हमारा। अगर हमने ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट्स आर नेवर सिग्निफिकेंट, अभी देखो क्वेश्चंस में यहां पे लिख रहा हूं, पॉइंट लिखा ये जीरो, जीरो पॉइंट यहां पे 00967 अगर ऐसा दिया हुआ है, आ रहा है समझ में? तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, आ रहा है समझ में? सबसे पहले रूल को फिर से हम लोग करेंगे, आ रहा है समझ में? एक तो कैसा है, डेसिमल के पहले अगर यहां पे जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नेवर सिग्निफिकेंट। देखो ये डेसिमल पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ है, मतलब जीरो को नहीं लेंगे, देख रहे हो, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नेवर सिग्निफिकेंट, मतलब ये जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये जीरो जो है
ए सिग्निफिकेंट नहीं है, ए जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो सिग्निफिकेंट कितना हो गया 1, 2, 3, मतलब यहाँ पे 3 होगा। ऑलवेज याद रखना है डेसिमल पॉइंट के पहले अगर 0 है नेवर कैलकुलेट। आ रहा समझ में? यस सर। और उसके बाद भी जो 0 है उसको भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। द सिंगल जीरो कन्वेंसली प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द डिस्प्ले इज एन एक्सप्रेशन इज आल्सो नेवर सिग्निफिकेंट। अभी देखो 4a और b दिया हुआ है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर नॉट फॉलो बाय ए नॉन जीरो डिजिट्स। तो जैसे 4a दिया हुआ है 30.00 लिख दिया हमने, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर इफ दे आर नॉट फॉलो बाय एनी नॉन जीरो, इसमें कोई है ही नहीं जीरो, मतलब नॉन डिजिट नंबर, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया 4 हो गया। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट का राइट में इसको लेफ्ट है तो कितना है 1 है 2 है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पहले ऐसा केवल नहीं है कि 0 है, मतलब नॉन जीरो दिया है ना। यस, इसलिए क्या हो गया 4 हो गया यहाँ पे सिग्निफिकेंट। अगर यहाँ पे एग्जांपल मैं लिखता 0.078000, एग्जांपल से ही समझ में आने वाला है। All zeros to the right of the last non-zero digit after the decimal point are significant. आ रहे नहीं समझ? तो यहाँ पे आंसर कितने आने वाले हैं आपको? All zeros to the right of the last non-zero digit. ये last non-zero digit है, तो इसके बाद जो आने वाला है इसको count करेंगे, इसको count करेंगे। लेकिन decimal point के just जो zero आ रहा है इसको count नहीं करेंगे। तो इसमें कितने हो गए? 4 हो गए significant figure. यहाँ पे देखो ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द लास्ट राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे अगर 2020 लिखते हैं तो इसमें जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, तो कितना हो गया 3। दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आता है उसको काउंट करते हैं, लेकिन अगर नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर कुछ जीरो आ रहा है उसको काउंट नहीं करेंगे, तो इसलिए कितना आ गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन डिजिट आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर फ्रॉम मेजरमेंट। अगर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है कि 2020 मीटर है, आरएस में यहाँ पे मेजरमेंट किया है, कैलकुलेशन किया है डिस्टेंस, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 4 होगा। और इसी चीज को अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 2.020 × 10³ मीटर, या अगर किलोमीटर में चेंज करते हैं हम लोग, या सेंटीमीटर में चेंज करते हो, सिग्निफिकेंट फिगर कितना होने वाला है 4 ही होने वाला है, याद रखना आप। यस और नो, एनी डाउट? नो सर। ओके, फिर वो उसमें अगर ऐसा अगर 0.20 अब मैं कितने सिग्निफिकेंट, वो तो मैंने बता दिया ना, उसमें करना ही नहीं है। ये तो ऑल जीरोस टू द लास्ट नॉन डिजिट आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर दे कम फ्रॉम मेजरमेंट, ये तो ऐसा रूल बता दिया। पॉइंट जीरो है तो इसको जीरो कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये तो पहले जो रूल बताया हुआ है। इसलिए अभी देखो, अभी जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स रखा हुआ है सारे को कवर कर रहा है। यहाँ पे 6729 न्यूटन, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, ऑल नॉन डिजिट, ये रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, ऑल नॉन डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 4 होगा यहाँ पे। Yes. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखोगे, रूल नंबर थर्ड है, रूल नंबर थर्ड क्या है, तो देखो आप, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन डिजिट आर नेवर सिग्निफिकेंट। मींस क्या है, यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट के बाद जो जीरो आ रहा है इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब कितना हो गया 2 हो गया, तो सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे जब भी है, ये रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 क्या बोलता है, यहाँ पे देखो आप, ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, टू नॉन डिजिट जो दिया हुआ है उसके बीच में ऑल जीरोज टू द
यहाँ पे देखो ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब वन और सिक्स के बीच में जितना जीरो है उसको भी काउंट किया है, तो यहाँ पे भी हम काउंट करने वाले हैं, तो कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, मतलब आंसर इसका 5 हो गया। Yes. ये जो देखो मीटर दिया है, मतलब मीटर डिस्टेंस दिया होगा, ये रूल नंबर हमारा क्या है 5B है, मतलब जब भी मेजरमेंट से आता है कोई चीज, यहाँ पे देख सकते हो ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, लेकिन ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन डिजिट आर सिग्निफिकेंट इफ दे कम फ्रॉम मेजरमेंट, मेजरमेंट में आएगा उसका यूनिट दिया रहेगा, यहाँ पे यूनिट है, इसलिए इसमें कितना होगा 1, 2, 3, 4, तो 4 लिखेगा। और हमने बोला था कि पावर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सेंटीमीटर में चेंज करो, मीटर में करो या किलोमीटर में चेंज करो, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या लिखोगे रूल नंबर 4B। ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, yes. तो इसमें क्या करेंगे, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा लेकिन इसके बाद वाला सब होगा, इसलिए इसको कितना 4, यहाँ पे आपको कितना है 4200 है, तो आपको क्या लिखना है 5A, 5A क्या है, क्या है ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे 2 होगा क्योंकि ये मेजरमेंट से नहीं आया है। yes. इसका भी 5B होगा, इसका 3 सिग्निफिकेंट, वेरी नाइस। यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखोगे 4A, 5 ऑल जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट इफ दे आर नॉट फॉलोड बाय ए नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट है ही नहीं डेसिमल के बाद, सब जीरो ही है, तो इसमें 3 और ए 5, तो ऐसे करके हम सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड कर सकते हैं। होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तब तक के लिए जय हिंद।